हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास शर्मा और स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है वन फॉर ऑल। तो फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी ने बजाज फिनसर्व का ईएमआई कार्ड लिया है तो आप किस तरह से जो है अपना बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड को चेक कर सकते हैं, आप उसकी जो डिटेल्स हैं वो देख सकते हैं, ये सब आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो है बजाज फिनसर्व की तरफ से वॉलेट एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन के अंदर। तो मैंने उस एप्लीकेशन को पहले से ही जो है अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब हम सीधा जो है बजाज फिनसर्व वॉलेट एप्लीकेशन की तरफ चलेंगे। तो उसके लिए एप्लीकेशन को ओपन अप कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, बजाज फिनसर्व की एप्लीकेशन है जो यहाँ पे ओपन अप हो गई है। अब आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, जिस मोबाइल नंबर से आपने जो है अपना बजाज फिनसर्व का ईएमआई कार्ड बनवाया है। तो चलिए यहाँ पर नंबर डाल के ओटीपी ले लेते हैं जल्दी से। ये देखिए नंबर हमने यहाँ पर डाल लिया है और अब गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए ओटीपी जो है वो ऑटो रीड हो गया है बजाज फिनसर्व वॉलेट की एप्लीकेशन की तरफ से, और मैंने जो है बजाज फिनसर्व वॉलेट एप्लीकेशन में जो है लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ से आप किस तरीके से अपना ईएमआई कार्ड और उसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, उसके लिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ईएमआई, जहाँ पर लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, जो कि आपका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है और आपने जो है अपना कार्ड बनवाने के टाइम पे भी इस्तेमाल किया है, तो वो यहाँ पे आपको डालना है। चलिए मैं वो डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेता हूँ जल्दी से। तो दोस्तों, मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दी है। अब सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे सी ई एम आई कार्ड नाउ का ऑप्शन ओपन अप हो गया, इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर जो है हम अपने ई एम आई नेटवर्क कार्ड के अंदर लॉगिन कर चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो है पूरा नंबर शो नहीं कर रहा है कार्ड का। तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आप व्यू कार्ड नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से जो है अपना पूरा कार्ड नंबर देखने को मिलेगा। तो इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से आपको फिर एक ओटीपी मिलेगा दोस्तों, और वो ओटीपी जो है आपका यहाँ पे ऑटो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है इसे सबमिट ओटीपी पे क्लिक करना है। ये देखिए, जैसे हमने इस पर क्लिक किया है तो हमारा पूरा जो कार्ड है और कार्ड के ऊपर जितनी भी डिटेल्स हैं, जैसे कि कार्ड नंबर और आपका कार्ड कब से लेकर कब तक वैलिड है, वो सभी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखा दी जाएंगी। इसके अलावा जब आप इसे स्क्रॉल अप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका अप्रूव्ड अमाउंट कितना है वो भी आपको यहाँ पे दिखाएगा, और कितना अमाउंट आपने यूज़ किया है वो भी आपको यहाँ पे दिखाएगा। इसके अलावा जब आप इसे और स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको नीचे जो है, अगर आपने कोई पेमेंट किया हुआ है बजाज फिनसर्व ई एम आई कार्ड से, तो उस पेमेंट के डिटेल्स भी आपको यहाँ पर दिखाएगा कि आपको जो है कितनी ई एम आईज़ आपकी बनी है और कितनी ई एम आईज़ आपकी अभी पे होनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ पेमेंट किया हुआ है तो उसकी ई एम आईज़ यहाँ पर अभी जो है ये फ़िलहाल दिखा रहा है। तो दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप बजाज फिनसर्व का ई एम आई कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आप सिंपली जो है बजाज फिनसर्व वॉलेट में लॉगिन करके अपने ई एम आई कार्ड की डिटेल्स देख सकते हैं। आप अपने पेंडिंग जो भी ड्यूज़ है या आपने जो भी पेमेंट किया ई एम आई कार्ड से, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।